अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको मिक्स वाइटनिंग फार्मूला क्रीम बनाना सिखाऊंगी। बहुत सारे व्यूवर्स की रिक्वेस्ट आई थी कि वाइटनिंग फार्मूला क्रीम में कौन सी क्रीम्स जो है मिक्स की जाती है और ये किस हद तक आपके चेहरे को गोरा करती है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट है कि नहीं। तो इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज इस कंप्लीट वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि ये फार्मूला वाइटनिंग आपको किस हद तक गोरा करती है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो ये तमाम तर बातें जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। फर्स्ट में मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताऊंगी कि किस हद तक ये फार्मूला क्रीम आपको गोरा करेगी। सेकंड में मैं आपको बताऊंगी कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, और थर्ड में मैं अपना ओपिनियन दूंगी आपके साथ, अपनी पर्सनल जो है राय शेयर करूंगी कि क्या आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कैसे और कब। वाइटनिंग फार्मूला क्रीम बनाने के लिए आपको ये 5 क्रीम्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसका बनाने का सिंपल तरीका ये ही है कि आपने तमाम क्रीम्स को सेम क्वांटिटी में लेकर जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और इसका जो मिक्सचर रेडी होगा वो हमारा फार्मूला वाइटनिंग क्रीम होगा, जिससे अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आप जस्ट जो है प्रोडक्ट्स को देखते जाएँ और साथ साथ इसके जो है बेनिफिट्स भी सुनते जाएँ। फर्स्ट में मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताऊँगी। इन 5 क्रीम को मिक्स करने के बाद आपके पास जो मिक्सचर आता है उसी को वाइटनिंग फार्मूला क्रीम कहा जाता है। और अगर इसके रिज़ल्ट की बात की जाए तो क्या ये वाकई में रंग गोरा करती है? तो जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा आपके कॉम्प्लेक्शन को फेयर करती है, आपके कलर को बहुत ज़्यादा गोरा करती है, और कुछ ही दिनों में, 3-4 दिनों में इसका आपको बहुत ज़्यादा नुमाया फ़र्क महसूस होता है आपके फेस पर। ये क्रीम बहुत ही तेज़ी के साथ आपके रंग को गोरा करती है, और बहुत सारी ब्यूटिशंस जो है अपने पार्लर्स में इस क्रीम को बहुत ही महंगी सेल करती हैं और इसके बहुत ज़्यादा चार्जेस लेती हैं आपको ये क्रीम बनाने की। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स क्यूरियस हो रहे थे ये जानने के लिए कि ब्यूटिशंस ऐसी कौन सी क्रीम्स मिक्स करके आपको एक फार्मूला बना के देती है जिससे कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा फेयर हो जाता है। तो अब आप जान चुके होंगे कि वो यही सेम फार्मूला यूज़ करती है और आपको बहुत ही महंगे दामों जो है सेल करती है। तो अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट है वाकई में, ये आपके रंग गोरा करने के बाद आपकी स्किन को नुकसान तो नहीं पहुंचाती। तो मैं आपको बताती चलूं कि जब तक आप इस क्रीम को यूज़ करते रहेंगे आपके फेस पर दिन ब दिन ग्लो आता जाएगा, आपका कॉम्प्लेक्शन दूध की तरह सफ़ेद होगा, लेकिन जिस दिन आपने इसको लगाना छोड़ दिया तो उसके बाद आपकी स्किन का बहुत ही बुरा हशर होने वाला है। आपके फेस पर बहुत ज़्यादा छाइयाँ आ जाएंगी, आपके फेस पर पिंपल्स आ जाएंगे, और आपकी स्किन इतनी पतली हो जाएगी जो कि अगर आप धूप में भी जाएंगे तो आपकी स्किन पर रेडनेस आएगी बहुत ज़्यादा। जितनी तेज़ी के साथ ये क्रीम आपके कॉम्प्लेक्शन को फेयर करती है उतनी तेज़ी के साथ ये आपकी स्किन को बर्बाद कर देती है। आपकी स्किन की लेयर बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। अब लास्ट में मैं आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर करूंगी। अगर आप ये क्रीम बना चुके हैं या आप ये यूज़ कर रहे हैं तो मेरा मशवरा आपको ये है कि आप इसको उठाकर बाहर फेंक दें, क्योंकि ये बहुत ही बुरे तरीके से आपकी स्किन को डैमेज करती है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको अपनी बात पूरी डिटेल के साथ समझा सकूं, क्योंकि कमेंट्स में मैं आपको समझा नहीं सकती इतनी डिटेल के साथ, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स जो है वो ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं और वो अपना फीडबैक शेयर करते हैं कि हम वाइटनिंग फार्मूला क्रीम यूज़ कर रहे हैं, हमें बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है, हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है और बहुत ज़्यादा जो है गोरी हो गई है। इसीलिए वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको इसके बेनिफिट्स बताए कि वाकई में इससे आपका कॉम्प्लेक्शन जो है फेयर होता है, लेकिन बाद में आपके जो है फेस का क्या हशर होता है वो भी आप जान चुके होंगे इस वीडियो में। अगर आपको अपना कॉम्प्लेक्शन फेयर ही करना है तो आप जो है कोशिश करें कि किसी मेडिकेटेड क्रीम को यूज़ करें। बहुत सारी वाइटनिंग मेडिकेटेड क्रीम्स है जो कि आपके स्किन को डैमेज नहीं करती और वो जो है डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड क्रीम्स होती हैं और उससे आपको कोई नुकसान नहीं होता। और अगर आप ऑलरेडी ये क्रीम जो है वाइटनिंग फार्मूला क्रीम यूज़ करके अपनी स्किन को बर्बाद कर चुके हैं और उसको रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना है, अगर ये आप जानना चाहते हैं, इस पर एक कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह इस पर मैं एक कम्प्लीट वीडियो बताऊँगी कि आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं अपने जो फेस को जो कि आपने फार्मूला क्रीम से जो है बिल्कुल बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा,
एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरा हाल पूछा। मैंने बहुत टाइम बाद वीडियो अपलोड की है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और हर उस बंदे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिल से जिन्होंने मेरी तबीयत का पूछा। अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।